नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भरत प्रजापत। देश में बढ़ रही रेप की घटनाएं एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर इंदौर में फेमिनिज्म इन इंडिया को लेकर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके चलते आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अर्पिता जोशी, जिनसे हम बात करेंगे। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका। मैम, आप इंदौर में फेमिनिज्म इन इंडिया को लेकर एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को कैसे कनेक्ट करोगे? फेमिनिज्म इन इंडिया एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रेप, वुमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हम सोसाइटी में आए दिन बढ़ते हुए देखते जा रहे हैं, जैसे रेप हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ईव टीजिंग हो गया, तो इसके लिए जो अवेयरनेस की जा रही है उसमें हम लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के लिए, अपने आप की हेल्प करने के लिए। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो जज हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो प्रशासन और शासन से रिलेटेड लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम एक दूसरे की इसमें मदद कर सकें और सोसाइटी को बेहतर कर सकें। क्या होता है, सरकार ने अभी बीच में स्टार्ट भी किया था कि कानून लेकिन लागू नहीं हुआ, बड़े लागू होना चाहिए। नॉर्मली होता है कि बच्चों के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, हमारे भी छोटे बच्चे हैं उनको भी डर लगता है। कानून तो फिर अच्छा सबसे तक होना चाहिए कि फांसी की सजा ही होनी चाहिए, फिक्स कर सबसे अच्छी चीज़ फांसी है, तो कम से कम ये तो रहेगा कि आने वाली जो अपनी पीढ़ी है थोड़ी सेफ रहेगी। बाकी तो बाकी मोदी जी है, देखो अच्छा कानून बना रहे तो अच्छी बात है, तो पर थोड़ा सा भरोसा है। ये देश में बच्चों के साथ जो रेप हो रहा है, इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए, मोदी सरकार द्वारा बनाना चाहिए। तो जितने भी अपराधी हैं रेप कांड के, इनको फांसी की सजा होना चाहिए, और बच्चियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, छोटी बच्ची को हमेशा माँ बाप उन पर नज़र रखे, साथ में रखें, कोई पराया आदमी हो, गैर पहचान का हो, उससे दूर रखें, किसी से ताफी ना लें, किसी के साथ घूमने नहीं जान दें, या कोई भी हो, परिवार का सदस्य भी हो छोट दूर का, उससे भी नज़र रखें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।